कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के दो लोगों की ओर से घर में घुसकर एक महिला को जिंदा जलाने का मामला पेश आया है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में महिला करीबन 40% तक झुलस गई थी, जिसे परिजनों ने निजी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। आपको यह भी बताएं कि विज्ञान नगर निवासी जया सक्सेना ने थाने में शिकायत दी कि उसकी मां सीमा सक्सेना अध्यापक है। शुक्रवार को उसकी मां घर पर काम कर रही थी, इसी दौरान प्रॉपर्टी डीलर लोकेश शर्मा अपने साथी सोनू के साथ घर में आया और केरोसिन डाल करके आग लगा दी। चिल्लाने की आवाज आने पर पड़ोसी घर में पहुंचे और महिला को करीबन 40% तक झुलसी हालत में स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। महिला की बेटी ने कहा कि उसकी मां ने रामगंज मंडी में एक भूखंड खरीदा है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर लोकेश जमीन का कब्जा नहीं दे रहा था, जिसे लेकर के दोनों के बीच में विवाद भी चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कि 4/8 विज्ञान नगर में एक महिला को दो व्यक्ति ने जला दिया है। उसे पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जय कुमारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो सुबह 4:15 करीब उनकी माँ घर के बर्तन वगैरह साफ करने चौक में आई थी, तभी लोकेश शर्मा और उसके साथी सोनू वहाँ पर आ गए।